डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। स्थानीय नगर निकाय चुनाव होते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नौचंदी मेले का आज यानी सोमवार से विधिवत शुभारंभ हो गया है। पटेल मंडप में होने वाले कार्यक्रम की शुरुआत आज माता की चौकी से हो गई है। इस बार नगर निगम की ओर से आयोजित मेले के दौरान पटेल मंडप में लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करने का फैसला लिया गया है। आज नगर निगम की अपर आयुक्त ममता मालवीय ने मीडिया को यह जानकारी। मतलब तैयारी ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुकी है और आज से हम जो है पटेल मंडप के कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, और माता की चौकी आज कार्यक्रम है जो उसका शुभारंभ होगा। प्रयास यही है कि इस बार बहुत स्तरीय कार्यक्रम कराया जाए, उन पॉपुलर आर्टिस्ट को बुलाया जाए जिनको पब्लिक सुनना चाहती है, जानना चाहती है, देखना चाहती है। तो पॉपुलैरिटी और प्लस अपने कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की एक रूपरेखा बनाई गई है। प्रयास यही किया जाएगा कि ये सभी कार्यक्रम जो है बहुत सफल रूप से संचालित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। जो अभी जैसे बताया गया कि कैसे पारंपरिक स्वरूप वापस आएगा, पारंपरिक स्वरूप तभी आएगा जब हमारे पटेल मंडप के कार्यक्रम स्तरीय होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम अच्छे कलाकारों को बुला रहे हैं, जैसे हम साबरी ब्रदर्स को कव्वाली के लिए बुला रहे हैं, मुशायदा अगर होगा तो हम वसीम बरेलवी साहब को बुला रहे हैं, जो नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं उनको हम अपने उसमें ला रहे हैं। रागिनी जैसे हमेशा यहाँ का परंपरागत फोक एक वो है, सॉन्ग ग्रुप है उसका, तो उसके लिए हम जो सबसे अच्छी कलाकार है रेणुका पवार उनको बुला रहे हैं कॉमेडी के लिए, ताकि पब्लिक यहाँ आकर के एंजॉय कर सके। सुनील पॉल को बुला रहे हैं, तो जो नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं प्रयास यही है कि उनको हम इस मेले की तरफ आकर्षित कर सकें, और वही आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत अच्छी बनाई गई है। पटेल मंडप में जो कलाकार इस बार आ रहे हैं उनमें बुंदेलखंड की छटा बिखेरने के लिए मोहिनी विपिन सचदेवा, आकांक्षा शर्मा, रेणुका पवार, हेमंत ब्रिजवासी के साथ ही नृत्यांजलि ग्रुप के कलाकार शामिल हैं। देखिए कितना उत्सुक्त व उत्साहित हैं ये कलाकार मेरठ आने के लिए। नमस्कार सभी को, मैं हूँ रेणुका पवार और मैं आ रही हूँ नौचंदी मेला मेरठ में 2 जून को आप सबके बीच परफॉर्म करने के लिए। आप सबको अपने हरियाणवी गीतों पर नचाने और झूमने के लिए, और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ जिला प्रशासन का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मिलते हैं 2 जून 2023 को। थैंक यू। आप सभी दोस्तों को विपिन सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आ रहा हूं आपके शहर मेरठ नवचंदी मेले में 12 जून 2023 को। अपने साथ लेकर आ रहा हूं बड़े ही प्यारे प्यारे से गीत, जिन्हें सुनकर आप झूमने के लिए, नाचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरठ जिला प्रशासन का जिन्होंने मुझे इस शो में इनवाइट किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मिलते हैं 12 जून को। धन्यवाद। Radha Radha everybody, this is me Hemant Brijwasi and I'm very very excited to perform in Meerut city on 11th June in Nauchandi Mela. तो Nauchandi Mela 11 June Meerut, आप लोग तैयार रहिए, हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारा आनंद करेंगे और ब्रिज के रंग में रंगने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिला प्रशासन को जिन्होंने मुझे यहाँ का निमंत्रण दिया है। सो मिलते हैं आप सबको 11 जून को नौचंदी मेला में। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहिनी और मैं आ रही हूँ आपके नौचंदी मेला मेरठ में पूरी टीम के साथ में, बुंदेली लोक नृत्यों के साथ में आपका मनोरंजन करवाने के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिला प्रशासन का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है नौचंदी मेला में। आइएगा, मिलते हैं 20 मई को नौचंदी मेला में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा शर्मा और मैं आ रही हूँ 13th of June को मेरठ में नौचंदी मेला में परफॉर्म करने के लिए। We will have lots of fun together. आप सब वहाँ ज़रूर आइएगा। I'd like to thank जिला प्रशासन मुझे इनवाइट करने के लिए and I am really looking forward to see you all there. Bye. आप सभी को नृत्यांजलि ग्रुप की तरफ से नमस्कार।
हम आ रहे हैं अपने ग्रुप के साथ मेरठ में आयोजित होने वाले नौचंदी मेले में गंगा अवतरण की प्रस्तुति लेकर 21 मई को, और हमें बुलाने के लिए जिला प्रशासन मेरठ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।